How to fix book my show app web page not available problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा बुक माई शो ऐप पर वेब पेज नॉट अवेलेबल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है आपको तब आएगा जब आप किसी शो को बुक करने जाओगे, ठीक है। तब दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये जो प्रॉब्लम है किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो पे बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा डेटा कनेक्शन भी फिक्स है, लेकिन डेटा कनेक्शन भी ऑन है, डेटा कनेक्शन चल भी रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ही प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली बैक ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी सब चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है ऐप के अंदर पर, तो हमें उसको फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार दोस्तों क्या होता है, डेटा कनेक्शन पे इशू होने की वजह से भी होते हैं, साथ ही साथ आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिक जो है डिसकनेक्ट भी हो जाते हैं, या फिर ऐप जो है आपका डेटा कनेक्शंस को छोड़ देते हैं, तो उसके वजह से भी ये सब प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले तो मोबाइल जो है रिस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद सेटिंग पर जाना है, एंड देन दोस्तों आप स्क्रॉल डाउन करते हुए सिस्टम पर जाए। सिस्टम पर जाने के बाद दोस्तों आपको मिलेगा यहाँ पे रीसेट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे जाइए, सिम सेलेक्ट कीजिए और एक दफ़ा नेटवर्क को रीसेट करके नेटवर्क को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों चेक कीजिए आपका नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर भी प्रॉब्लम है नेटवर्क पे तो आप जा सकते हैं वाईफाई नेटवर्क सिम नेटवर्क के अंदर पे, उसके बाद मोबाइल डेटा को बंद करके ऑन कर सकते हैं। आप प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर जाके नेटवर्क स्विच कर सकते हैं, सिम के अंदर पे जाके एक्सेस पॉइंट को रीसेट कर सकते हैं थ्री डॉट्स में क्लिक करके। उसके बाद भी दोस्तों अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो नेटवर्क ऑपरेटर पर जाके नेटवर्क को ऑटोमेटिकली या फिर मैन्युअली आप खुद से ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। नेटवर्क फिक्स होने के बाद एक बार दोबारा से ट्राई करके देख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है आपका तो अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपके ऐप के वजह से हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर के अंदर पे, ऐप को एक दफ़ा अपडेट करना है, उसके बाद जाना है सेटिंग पर, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके ऐप नोटिफिकेशन पर आना है। ऐप नोटिफिकेशन मैनेजर ऐप इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस में। उसके बाद बुक माई शो पर जाना है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऐप को ओपन कर दिया है गलती से। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको एक दफ़ा फोर्स स्टॉप कर देना है, ओके करके फोर्स स्टॉप कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप ओके करना था, उसके बाद स्टोरेज एंड कैश क्लियर स्टोरेज ओके करके आपको बैक कर देना है। बैक करने के बाद परमिशन पर जाके सारे परमिशन अलाउ करना है, उसके बाद मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पे जाके बैकग्राउंड डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, बैकग्राउंड डेटा एक्सेस करना है। और यहाँ पे सबसे मेन सेटिंग ऐप के लिए, ऐप का डेटा यूजेस और वाईफाई ऑन होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों मेरा सेटिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबल वाईफाई डिसेबल डेटा यूजेस, तो इसको बंद करके रखना होता है। लेकिन बहुत सारे डिवाइस पर मैंने देखा है कि उसमें सिंपली लिखा हुआ आते हैं वाईफाई एंड डिसेबल, तो उन तरीके का डिवाइस में ये ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस इस सेटिंग को यहाँ पे फॉलो कर लेना। तो इसी प्रकार से दोस्तों आप जो है अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम जाएंगे बुक माई शो ऐप के अंदर पे और चेक करके देखेंगे। आपको दोस्तों रजिस्टर दोबारा से करना पड़ेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक मिनट के अंदर पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और आइए कुछ ओपन करके देखते हैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, मूवी ट्रेलर। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे भी दोस्तों जाके देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जो है दोस्तों बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, तो आप भी इस सॉल्यूशन को फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।